अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही क्विक और कम चीज़ों के साथ बनने वाले डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ और इसका नाम है 5 मिनट फ्रूट एंड क्रीम ट्राइफल। और सबसे अच्छी बात कि ना तो इसमें आपको कोई कुकिंग करनी है ना ही बेकिंग। कुछ ही चीज़ों के साथ जब चीज़ें बिल्कुल काट के आपने रेडी रखी हुई हों तो वाकई में ये विद इन 5 मिनट्स तैयार हो जाता है। तो आइए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बिस्किट आपने जो है वो उसको क्रश कर लेना है, उसका चूरा बना लेना है, लेकिन पाउडर नहीं बनाना। एक ज़िपलॉक लें, उसमें बिस्किट्स डालें और फिर बेलन की मदद से आप उसको क्रश कर लें। इस ट्राइफल में सुपर बिस्किट का जायका सबसे बेस्ट आता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं तो आप डाइजेस्टिव, मैरी, जो आपके पास मौजूद है आप वही इस्तेमाल कीजिए। ट्राइफल फिर भी अच्छा ही बन जाएगा। अब यहाँ पर एक बोल में मैं ऐड कर रही हूँ 200 ml की जितनी टेट्रा पैक क्रीम। आपके पास जो ब्रांड मौजूद है आप उसी की इस्तेमाल करें और साथ में शामिल कर दें 100 ग्राम या 4 to 5 tablespoons स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क और फिर इसको मिक्स कर लें। अब ये कि आसानी के लिए और नीटनेस लाने के लिए मैं क्रीम को ट्रांसफ़र कर रही हूँ ज़िपलॉक बैग में। आप चाहें तो स्पून से ही डाल सकते हैं। अब जैसा कि फ्रूट ट्राइफल है तो आपके पास जो फ्रूट घर पर है वही इस्तेमाल करें। सो आई एम यूजिंग एप्पल एंड बनाना इन सेम क्वान्टिटी और साथ में 2 tablespoons डाला है चॉप किया हुआ बादाम। सो मैंने एक लार्ज एप्पल और 2-3 banana लेके उसको थोड़ा छोटा जो है वो कट कर लिया था। अब यहाँ पे मेरे पास इस तरह के 4 mini trifle balls थे जो कि एक अनाया ने तोड़ दिया। इस रेसिपी से इस तरह के 4 balls जो हैं वो तैयार हो जाते हैं और ये बहुत अच्छा गुड साइज़ है। सो खैर अब बस लेयरिंग करनी है। सबसे पहले कप में मैंने 3 tablespoons बिस्किट जो है वो डाला क्रश हुआ हुआ, फिर 2 to 3 tablespoons फ्रूट्स की एक लेयर लगा दें, इसके बाद क्रीम की लेयर लगा दें, 3 tablespoons इज़ इनफ, और फिर दोबारा से 2 tablespoons बिस्किट की लेयर और बस सीक्वेंस को रिपीट किया है। दोबारा 2 tablespoons फ्रूट की लेयर और थोड़ी हल्की यानी लाइट लेयर आपने आखिर पे क्रीम की लगा देनी है। इसको ज़्यादा हैवी नहीं कीजिएगा। अब ये तो एक तरीका था इसकी लेयरिंग का, लेकिन आप जैसा आपका दिल करे उस सीक्वेंस से आप इसकी लेयरिंग करें और जो आपका दिल करे वो वाले आप फ्रूट्स ऐड करें। सो बस इसको फ्रिज में रख दें, अच्छा जब फुल ठंडा हो जाए 2-3 घंटा, फिर इसको चिल जो है वो आपने सर्व करना है। तो लीजिए तैयार है होममेड मिनटों में बनने वाला क्रीमी फ्रूट ट्राइफल। और इसमें आप देख लें केक का भी इस्तेमाल नहीं हुआ, व्हिप्ड क्रीम भी यूज़ नहीं की, इन सब चीज़ों के बगैर ही ये बहुत अच्छा बनता है। ये प्रीवियस रेसिपी है केक की जिसको कि आप बना सकते हैं बगैर मेजरिंग कप के। बहुत आसान है, बहुत अच्छा बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की रेसिपी भी पसंद आएगी। जैसा कि अब गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं तो इससे आसान और मज़ेदार मीठा क्या हो सकता है। और रमज़ान में भी आप इसको बना के रख दीजिए फ्रिज में, चाहे तो इफ्तार में सर्व करें या डिनर के साथ। तो ये कि ट्राई करके फिर मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लें। मुझे दो में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।